गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू देवश्री इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स एंड हियर योर टीचर अनिल सर हु विल टीच यू मैथ्स. सो स्टूडेंट्स लेट मी रिकॉल लास्ट टाइम व्हाट वी हैड स्टडीड टू प्रॉपर्टी दैट इज वेरी पॉपुलर दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन कम्युनिटी प्रॉपर्टी. हियर वी आर गोइंग टू डील द न्यू प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. So in that we will take the number whole numbers. Students, I have prepared this already all table. So here I am going to write down the only answers. Operation करेंगे, numbers लिखेंगे, remarks लिखेंगे. Addition में हम whole number के कोई भी दो number ले लेते हैं. तो देखो 2 + 3 + 5 और इनमें सबसे पहले हम इस side जो solve करेंगे वो 2 + 3 को करेंगे और सेकेंड टाइम मैं लिखूंगा 2 + 3 + 5. यहाँ पर मैं जो सॉल्व करने वाला हूँ लास्ट टू डिजिट को सॉल्व करूँगा. यहाँ सॉल्व करेंगे 2 + 3 क्या आएगा 5 + 5 फाइनल आंसर क्या होगा 10. यहाँ देखो स्टूडेंट्स 2 + 8 होगा और अगर ऐड कर दोगे तो 10 होगा. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी क्या करती है होल एसोसिएटिव इज अंडर एडिशन. तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हम इसको रिमार्क्स में क्या लिखेंगे. ठीक है सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन हमने किया तो ये नंबर किसका है होल नंबर का है ये भी होल नंबर का और दोनों की वैल्यू सेम है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव. हम लिखेंगे एडिशन इज आपका आएगा एसोसिएटिव. ओके नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन है. हम कोई भी नंबर लेंगे लेकिन होल नंबर के ध्यान रहे 3 - 5 - 7. यहाँ भी सेम करेंगे 3 - 5 - 7. तो इस एक पहले हम इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग लास्ट के दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लास्ट के दो ब्रैकेट. ठीक है देखते हैं 3 - 5 करेंगे आएगा हमारे पास -2 - 7 आंसर आएगा -9. यहाँ चेक करते हैं स्टूडेंट्स 3 - बाहर रहने देते हैं यहाँ -2 आएगा दोनों को ऐड करोगे 5 आएगा. तो एसोसिएटिव यहाँ पर देखते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव आंसर में आएगा सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्प्लीट नहीं है. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है नेक्स्ट समझते हैं मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं. तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 3 × 5 फिर लिख देते हैं 2 × 3 × 5 लेकिन इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग किसको सॉल्व करेंगे इसको. तो 2 × 3 = 6 × 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 × 5 = 15 हो जाएगा. यहाँ आपके पास 30 हो जाएगा और यहाँ भी आपके पास 30 हो जाएगा. तो आप क्या ले सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. लिखोगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. डिवीजन में नंबर ले लें हम लोग कोई भी 3 नंबर्स लेंगे 4 / 2 / 1 वहीं पर फिर से 4 / 2 / 1 या हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और यहाँ को इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 / 1 आएगा और फाइनल आंसर 1 आएगा. यहाँ देखते हैं सिंस 4 को वहीं रहने देते हैं और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से तो यहाँ 2 आएगा और फाइनल आंसर 2 आएगा. तो ये 2 जो है वो आंसर एकदम टोटली डिफरेंट आ गया सेम आना चाहिए. व्हाट यू कुड राइट यू राइट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है यही काम हम इंटीजर के साथ में करेंगे. यहाँ हमने क्या आंसर होल नंबर के साथ किया इंटीजर के साथ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कोई भी दो नंबर ले लेते हैं हम लोग तो 2 + 3
माइनस फाइव, यहाँ भी लेते हैं टू, एडिशन लेना है, सॉरी स्टूडेंट्स हम लोग एडिशन रखेंगे, टू प्लस थ्री और प्लस में हम लोग दो इंटीजर ले लेते हैं, यहाँ भी एक इंटीजर ले लो ये, ठीक है, ये भी इंटीजर ले लो माइनस, और प्लस में यहाँ पे क्या ले लो फाइव, ये माइनस ले लो और ये प्लस फाइव रहेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरे पेन से सॉल्व कर देता हूँ मैं, हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये वाले को और यहाँ पे ये वाले को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या है। तो टू माइनस थ्री है तो आंसर माइनस वन प्लस फाइव आएगा, यहाँ बात करेंगे तो टू रहेगा और सॉल्व हो जाएगा तो प्लस टू आएगा, तो फाइनल आंसर यहाँ फोर आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है फोर आ रहा है। तो एडिशन इज़ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एडिशन यहाँ पे फोर, यहाँ पे था फोर होल नंबर, सबके लिए क्या आएगा फोर होल नंबर, यहाँ पे आएगा फोर इंटीजर, तो यहाँ भी हम लिखेंगे एडिशन, एडिशन इज एसोसिएटिव फोर इंटीजर। अब सब्ट्रैक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं इंटीजर ही लेंगे सिर्फ क्या होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं टू माइनस थ्री माइनस फाइव, फिर से टू माइनस थ्री माइनस फाइव सॉल्व करेंगे, इसमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ आंसर आएगा माइनस वन माइनस फाइव और यहाँ पे आंसर आएगा टू माइनस थ्री माइनस फाइव, क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस सिक्स आएगा और यहाँ क्या आएगा फोर, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए था क्योंकि वैल्यू सेम है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन में कोई भी नंबर ले लें, टू थ्री फाइव एंड टू थ्री फाइव, ये भी सारे इंटीजर ही हैं, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, सिक्स इंटू फाइव और टू इंटू फिफ्टी, आंसर थर्टी, आंसर थर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन इज क्या हो जाएगा is associated। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिवीजन आप देख सकते हैं, डिवीजन में आपको तीन नंबर लेने हैं कोई भी, ध्यान रहे कि वो हमारे इंटीजर के हों, फाइव डिवाइड फाइव डिवाइड वन, या फाइव डिवाइड वन, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या कंडीशन है कि आगे की इसमें इधर आगे के दो टर्म्स लेने हैं और इसमें एंडिंग के दो टर्म को पहले सॉल्व करना है, यहाँ पे आगे वाले को सॉल्व करना है और यहाँ पे एंड में, तो फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे वन आएगा, डिवाइड की साइन एंड देन वन, एंड वन डिवाइड वन क्या आता है वन आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड देखेंगे, फाइव डिवाइड इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, वन फाइव को वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन आ जाएगा, आंसर क्या आएगा वन आ जाएगा। कि देखा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि यहाँ फॉलो हो रहा है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर लिखूँगा फाइव डिवाइड जीरो तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड टर्म, तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, तो यहाँ इस केस में आप देखोगे वो सॉल्व नहीं होगा, आप क्या लिखोगे डिवीजन नॉट एसोसिएटिव। वैसे एडिशन नंबर के लिए स्टूडेंट्स वैसे ही करना है, एडिशन मैंने सब्ट्रैक्शन यहाँ दोनों कर लिए हैं, आपको देख लेना ही मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये आपके लिए खुद होमवर्क रहेगा। द रोल ऑफ जीरो स्टूडेंट्स, रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल है, तो देखो होल नंबर में अगर जीरो ऐड करते, ये हमारा होल नंबर है इंटीजर, ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा रेशनल नंबर है, तो जीरो प्लस टू किया मैंने, आंसर क्या आया टू, जीरो प्लस करना था यहाँ पे और मैंने माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, प्लस करोगे या माइनस करोगे तभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम लोग माइनस ही करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मुझे करना था प्लस, लेकिन मुझे माइनस नंबर को ऐड करना था, माइनस नंबर, तो जीरो माइनस टू करो क्या आएगा माइनस टू आएगा, रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर जीरो के साथ ऐड करो वही आता है, तो हमने क्या देखा कि जो भी हम होल नंबर ले रहे हैं वही आ रहा है, इंटीजर जो ले रहे वही आ रहा है, रेशनल नंबर जो ले रहे वही आ रहा है, तो जनरल टर्म में क्या लिख सकते हो कि कोई भी नंबर आप लो जीरो के साथ ऐड करोगे वही आएगा, कोई भी नंबर आप इंटीजर लो जीरो के साथ ऐड करो तो वही आता है,
थर्ड कोई भी नंबर आप लो जीरो के साथ ऐड करोगे तो सी ही आ रहा है। तो इसकी बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसकी बेस पे हम लिख सकते हैं कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो आइडेंटिटी मतलब क्या कि जीरो के साथ आप किसी को भी ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो भी आपने लिया होगा वही आपका नंबर वापिस आएगा, ठीक है। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर ऑल्सो। तो इंटीजर के लिए भी ये काम करेगा, होल नंबर के भी काम करेगा। इंटीजर मतलब कैसे, जीरो प्लस माइनस टू किया आंसर माइनस टू आया, होल नंबर में कैसे जीरो प्लस टू किया टू आया, रैशनल नंबर में कैसे जीरो प्लस वन बाय टू किया वन बाय टू आया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, किसके लिए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है जीरो को, ठीक है। द रोल ऑफ वन, ठीक है, अब रोल ऑफ वन, वन का क्या रोल है, तो वन कहाँ काम आता है देखते हैं। टू इंटू वन किया टू आ रहा है, माइनस टू इंटू वन किया माइनस टू आ रहा है, सेवन बाय टू वन किया सेवन बाय टू आएगा, सेवन बाय टू। अब समझने जैसा है, ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है, ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है, ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है, मतलब ए कोई भी नंबर लो वन के साथ मल्टीप्लाई करो वही आ रहा है, बी कोई नंबर लो वन के साथ मल्टीप्लाई करो वही आ रहा है, सी वन के साथ मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वही टर्म वापस आता है। तो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी कहा था, क्यों, क्योंकि एडिशन करने से वही टर्म आया था। अब ये वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आ रहा है, तो कहेंगे वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। नेक्स्ट चलते स्टूडेंट्स, देखें नेगेटिव नंबर्स में क्या लिखा है मैंने। नेगेटिव नंबर्स, व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ फाइव, फाइव का नेगेटिव क्या होगा, माइनस फाइव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने से आंसर क्या होता है, जीरो मिलता है। नेगेटिव का मतलब क्या, वही नंबर का आप अपोजिट लो तो एडिशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फाइव माइनस फाइव किया आंसर क्या आएगा, जीरो। सिमिलरली सेवन इज़ द नेगेटिव नंबर ऑफ माइनस सेवन, माइनस सेवन का नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, सेवन आएगा। सिंस, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस सेवन और प्लस सेवन क्या होता है, जीरो होता है। तो सेवन का नेगेटिव माइनस सेवन है और माइनस सेवन का नेगेटिव क्या है, सेवन है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। किसी का भी नेगेटिव किसे कहते हैं, तो उसका नेगेटिव किसको कहेंगे, टू है तो माइनस टू उसका नेगेटिव कहलाएगा, उसी को दूसरा नाम है एडिटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल समझते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है, इन शॉर्ट आपको बताऊँ, रेसिप्रोकल में उस नंबर का रिवर्स इस तरह से किया जाता है जिससे उन दोनों का मल्टीपल वन आए। तो व्हाट इज रिटर्न, वाई व्हाट नंबर डू वी मल्टीप्लाई विथ टू बाई फाइव टू मेक प्रोडक्ट वन। टू बाई फाइव को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आएगा। तो टू बाई फाइव का ये न्यूमरेटर में है डिनोमीटर में, तो जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमीटर ला दो और जो डिनोमीटर में उसको न्यूमीटर लाओ, अब फाइव फाइव कट जाएगा और टू टू कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो इन दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हैं। तो आई हैव रिटन हियर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर विच गिव्स वन एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फ्रेंड्स टू ईच अदर। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पहले भी रेसिप्रोकल हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लुक एट हियर, आई हैव रिटन हियर एक्सरसाइज 1.1। What is written? Using appropriate properties, find this answer of this question. Students, हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें ध्यान से। माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री बाई फाइव प्लस फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई फाइव इंटू वन बाय सिक्स। स्टूडेंट्स एक हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग कैसा होता है कि अगर इस तरह से है, इस तरह से मतलब ए बी प्लस ए सी, इन दोनों में देखो ए कॉमन है तो ए क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, बी प्लस सी लिखते हैं। अगर ए बी माइनस ए सी लिखा हुआ है तो देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, ए टर्म कॉमन है तो ए को हम बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा बी माइनस सी। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखो 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5, यहाँ माइनस आगे है, यहाँ पी है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ आगे हो या पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। वैसे ही मल्टीप्लाई में है तो ये इधर रहे या इधर रहे माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें माइनस थ्री बाई फाइव बाहर निकालना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म को हम साथ में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके अंदर मल्टीप्लाई है, इनके अंदर मल्टीप्लाई, ये प्लस फाइव बाई टू है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है, तो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। लुक एट हियर, ये दोनों को मैंने एक था साथ में लिखा और जो ये बच गया था ये बाहर लिखा। नाउ थ्री बाई फाइव, थ्री बाई दोनों के अंदर है, तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए ये जो प्रॉपर्टी थी ए बी प्लस सी, ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है।
तो माइनस 3/5 को बाहर लेंगे, अंदर बचेगा 2/3 प्लस 1/6 और 5/2। अब 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमीटर एज वेल एज न्यूमेटर, प्लस एज इट इज़ एंड 1/6 भी एज इट इज़ प्लस 5/2। ध्यान से देखो, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा 1/6। तो टैकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 6, ये तो मैंने इसका बताया। अब देखो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5/6 हो गया। ओके, टर्न करते हैं हम लोग पीछे। ओके, देखें इसको, ये क्या आया था 3/5 आया था, ये माइनस, ये 5/6 आया था प्लस 5/2। देखो ध्यान से, 3 1 3 एंड 3 2 6, 5 1 5, तो 1 1 1 यहाँ बचा माइनस 1 और 2 1 2 यहाँ 2 प्लस 5। 2 2 आप एलसीएम लोगे 2 आएगा, माइनस 1 प्लस 5 होगा, सिंप्लीफाई करोगे 4/2 आंसर विल बी 2। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ध्यान से देखो, इसके अंदर और इसके अंदर कुछ कॉमन है क्या, तो 2/5 आपको अंदर दोनों को दिख रहा है, तो इन दोनों को क्या करना है, पहले पास में लाना है, ठीक है। और ये इसके अंदर कुछ कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर रखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए पहले हम लोग क्वेश्चन को वापस लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने वापस लिखा, अब ये दो टर्म को हम पास में लिखेंगे। तो ये देखो ध्यान से, ये दोनों टर्म को पास में लिखा और इस टर्म को क्या लिखा लास्ट में, सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 3 एंड 3 2 6। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 2 4 एंड 1 1 1। यहाँ पर ध्यान दो, 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ पर भी, कॉमन लोगे क्या बचेगा, माइनस 3/7 प्लस 1/14। 7/14 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 14 आएगा। अब यहाँ 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर भी, प्लस 1/14 वैसे का वैसा, माइनस वैसे का वैसा, 1/4 वैसे का वैसा। नाउ 7 2 क्या होता है 14, 3 2 6 1/14 माइनस 1/6। स्टूडेंट ध्यान दो, दोनों साइड एलसीएम का वैल्यू सेम है, तो एक बार लिखेंगे माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 1 होता है माइनस 5, और नीचे ऑलरेडी 5 है, 5 1 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1। यहाँ देखो 2 1 2 और 2 7 14, तो 7 1 7 यहाँ 7 बचेगा, 1 1 1 माइनस 1 बचेगा, माइनस ए रहा, 1 ए रहा और 4 ए रहा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, एलसीएम लेंगे 7 and 4 का, तो क्या आएगा 28 आएगा। अब 7 यहाँ था, 4 यहाँ था, तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनाने के लिए, और यहाँ से यहाँ 7 से, 7 4 28, 7 1 7, 4 1 4, 7 4 28, दोनों साइड 28 वन टाइम लिखोगे, माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 हो जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। राइट डन द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का आपको एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स मतलब इसका ही नंबर कैसा होगा जिससे क्या हो, ये टर्म जीरो हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, 2/8 है ना स्टूडेंट्स, 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव नंबर क्या होगा, -2/8 लिखेंगे, असम ब्लू पेन से लिखेंगे, -2/8 इज नेगेटिव, सॉरी एडिटिव नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी कहते हैं ना, -2/8 इज एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ 2/8। वैसे इसका हो जाएगा क्या होगा, 5/9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9। नेक्स्ट 6/5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5। डन स्टूडेंट्स, आप 4 और 5, दिस विल बी योर होमवर्क, वेरीफाई दिस, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर विल बी ऑफ एक्स। तो समझते ही क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस एक्स, सॉल्व करेंगे, माइनस रहने दो और एक्स की वैल्यू को 1/11/15 रहेगा। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 11 बाय
15. RHS देखेंगे, RHS में लिखा है ओनली x, तो वैल्यू x की लिख दो 11/15. तो लिख दो दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है. हैंस लिखोगे वेरीफाइड हुआ क्या, तो माइनस माइनस x विल बी x. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. -13/17 इसका आपको होमवर्क में कर लेना है, -13/17 का क्या होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग लिखना है. देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर आएगा, ये क्या है, माइनस थर्टीन है, तो जो आएगा दूसरे नंबर क्या आएगा, -1/13. लिख देता हूँ, -1/13 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -30. ठीक है, इसका देखेंगे आंसर आएगा -19/30 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19. राइट, नेक्स्ट इसका देखेंगे, 5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5. इसका देखेंगे, अरे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 1/5 × 8 मल्टीप्लाई -3/7. सिंप्लीफाई करते हैं तो -15/56 आंसर आएगा इसका. -15 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 एंड 4 and 5th विल बी इन योर होमवर्क. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव, यहाँ देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ रहा है, -4/5. तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना. 1 इज हमारे पास क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी हम लोग यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव इज मल्टीप्लिकेटिव और इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव प्र॑ॉपर्टी. देखो ध्यान से, -27 यहाँ पे है, फिर -27 यहाँ पे आ गया, तो ये कि आपस में चेंज हो गया, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे. इसको क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/6. तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, -16/17. -16 में क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा.
ना मल्टीप्लाई लिखा है, दूसरा मल्टीप्लाई 6/13 टू -16/7। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अब हमारा इंस्ट्रक्शन था 6/13 मल्टीप्लाई -16/7। मल्टीप्लाई करोगे 16 6 96, 13 7 91, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। देखो स्टूडेंट्स ये एसेसरी प्रॉपर्टी है, इसको भी लिखा ये भी लिखा, तीनों टर्म एक जैसे हैं, इसमें एंड में किया इसमें पहले किया, तो वी यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ अपने लेक्चर ख़त्म करते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर एक्सरसाइज 1.2 और सम पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।